हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं बना रही थी कच्चे आम की चटनी, खट्टी मीठी चटनी। सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। इसको मैंने बिल्कुल ही कम मसालों में बनाया है, ताकि हम घर पे जब हम खाते हैं कुछ भी, तो मेरा मानना है कि जितना कम ऑयली हो और कम मसाले यूज़ करके बनाया जाए तो बेटर रहता है। चलिए शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने कच्चे आम लिए हैं। इसको मैंने 6 से 7 घंटे भिगो कर रखा था पानी में, ताकि इसकी तासीर ठंडी हो जाए। अब इसको अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। अब इसको मैं पील ऑफ कर दूंगी, इसका जो ग्रीन पार्ट है इसको निकाल दूंगी और फिर इसको हम ग्रेट करेंगे। सारे जो कच्चे आम थे उनको पील ऑफ कर दिया, उनका जो ग्रीन पार्ट है। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, आपको कैसे भी जैसे भी इजी लगता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको ग्रेट कर दें। तो ये है सब मटेरियल जो अब हम यूज़ करेंगे इस चटनी को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक मटेरियल है जो हमारे घर में नॉर्मली पड़ा होता है। ये है रोस्टेड जीरा पाउडर, ये है काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, और ये है शुगर। तो हम नॉर्मली घर में ब्राउन शुगर ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं ब्राउन शुगर इसमें यूज़ कर रही हूँ, बट आप नॉर्मल वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में यूज़ होती है। ये है सॉल्ट, तो सॉल्ट भी हम पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक यूज़ करते हैं, तो वो मैंने ले लिया है अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना फिर। अभी सबसे पहले मैंने जो कच्चे आम का पल्प है वो मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, जिस पर हमें आप बनाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा वो कढ़ाई बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, कोई पानी का छींटा उसमें नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ड्राई। अभी मैंने फ्लेम ऑफ ही रखा है, तो फ्लेम ऑफ में ही मैं शुगर इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अभी मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है, फ्लेम जो है वो मीडियम है, हाई पे नहीं रखेंगे और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। थोड़ा पकने के बाद इसका कलर भी चेंज होगा और ये थोड़ा देख रहे हैं आप, पानी भी छोड़ रहा है। अभी आप देखेंगे इसको मुझे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हुए हैं। इसका जो टेक्सचर है थोड़ा देखो स्टिकी हो गया चटनी की तरह, और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस स्टेज पर अब हम मसाले डालेंगे। तो इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, काली मिर्च, ये हमने कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, और जो सॉल्ट है। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। इसमें जो भी कम लगेगा, नमक कम लगेगा या फिर शुगर कम लगेगी, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसको और थोड़ा सा पकाएंगे। अभी देखिए चटनी जो है वो रेडी हो गई है। इसका कलर देखिए और टेक्सचर देखिए। इसमें थोड़ी सी मुझे शुगर कम लग रही थी, तो मैंने बीच में मसालों के साथ ही दोबारा ऐड की थी थोड़ी सी। अभी हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। ये पड़ी पड़ी चटनी और भी थोड़ी गाढ़ी होती है, तो हम इस टेक्सचर पे ये हमारी चटनी बिल्कुल ही रेडी है, देख रहे हैं आप। हाँ, इसका कलर वेरी कर सकता है, अगर आप वाइट शुगर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है, तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको ठंडा होने के रख देंगे साइड में। जब ये ठंडी होगी तो ग्लास जार में इसको हम स्टोर कर देंगे। अभी जैसे ये ग्लास जार है मेरे पास, इसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा दिया है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।